हे गाइस, वेलकम टू StudyIQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2018 के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको रिलीज़ किया है। ऐसी पॉलिसी आखिरी बार आई थी 2011 में, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद हमको एक पॉलिसी देखने को मिल रही है डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट आगे जाके प्रोड्यूस करेगा, इसी पॉलिसी पर निर्भर करता है। और काफ़ी एम्बिशियस पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में FDI की बात करी गई है, नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात करी गई है। तो सब कुछ एनालाइज करेंगे यहाँ पर। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि StudyIQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स। SSC, बैंक, RBI, ग्रेड भी, UPSC, स्टेट PCS कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा क्लैट, DSS भी आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी, आपको फ्री क्विज मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है studyiq.com पे, और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम आपको पता है राजधानी है स्वीडन की। स्वीडन कितने कंट्रीज़ के साथ टेरिटोरियल मतलब के लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उसमें दुनिया को बताया कि इंडिया आज भी दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स का इंपोर्टर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वेपन्स दुनिया में आज भी इंडिया खरीदता है। ऑफकोर्स ये इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं थी, यहाँ पर बात की गई थी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है वेपन्स, इम्पोर्ट कौन करता है, तो वहाँ पर इंडिया का नाम टॉप पे आया। ये हमारे लिए प्राउड करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है हम अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं कर पाए, हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन्स, और इसलिए हमको सब कुछ बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो टोटल दुनिया में जितनी भी सेल्स होती है आर्म्स की, एम्यूनेशन की, वेपन्स की, उसकी 12% सेल इंडिया में ही हो जाती है। और ये जो डेटा इन्होंने इकट्ठा किया था, ये इन्होंने यूज़ किया था 2013 से 2017 तक का डेटा। सबसे ज़्यादा हमने आर्म्स इंपोर्ट किए थे रशिया से 62%, उसके बाद नंबर आता है USA का 15%, फिर इसराइल का 11%। ऑफकोर्स जब हम 2015 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें देखें तो हमने USA से ज़्यादा वेपन्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और जो डील्स अभी पाइपलाइन में है अगर वो भी पूरी हो जाती है तो आने वाले समय में USA काफ़ी हद तक रशिया को रिप्लेस कर देगा एज इंडियाज नंबर वन आर्म्स एक्सपोर्टर। इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में ये देखी गई कि एक तरफ से इंडिया ने तो अपनी वेपन्स का इम्पोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ाया है, मगर पाकिस्तान का जो वेपन का इम्पोर्ट है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है 2012 से। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल रिलायंस थी USA पर वो भी काफ़ी कम हो गई है। USA से एक टाइम पे पाकिस्तान बहुत वेपन्स, बहुत एयरक्राफ्ट खरीदता था, मगर अब ये जो टोटल सेल्स है ये 76% तक गिर गई है। और चाइना एक बहुत ही बड़ा आर्म्स का सप्लायर बन के उभरा है पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ सालों में। अब देखो इसका रीज़न क्या है, पाकिस्तान ने इतने कम आर्म्स को क्यों इम्पोर्ट किया। देखो इसका रीज़न ये नहीं है कि पाकिस्तान इम्पोर्ट करना नहीं चाहता या फिर वो इंडिया से काफ़ी अब सेफ़ फील करते हैं। इसका जो बेसिक रीज़न है वो इकोनॉमिक रीज़न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ही डेंजरस लेवल तक यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में कहाँ तक पहुँच गया ये, और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी अब बांग्लादेश से भी कम हो गए हैं। इस सब की वजह से पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता उस तरीके की परचेजिंग करना डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जैसा वो 2012 के पहले करते थे। अब जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके बस आर्म्स को इंपोर्ट ही कर पाते हैं, चाइना एक बहुत ही बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर बन के उभरा है। चाइना फिगर्स इन द टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। चाइना दुनिया की जो एक लिस्ट बनाई गई है कि जो 5 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं आर्म्स के, जिसको टॉप किया है USA ने, उस लिस्ट में चाइना भी अब फीचर होता है। चाइना के जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। चाइना अब करीब 35% जो भी आर्म्स पाकिस्तान को चाहिए होते हैं वो सप्लाई करता है, और बांग्लादेश को करीब 19%। अब इंडिया के इंक्रीजिंग आर्म्स के इम्पोर्ट को देखते हुए यहाँ पर ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया को जो मेन खतरा है पाकिस्तान और चाइना से, उसी को देखते हुए इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दी हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया रिमेन्स अनेबल टू प्रोड्यूस इट्सेल्फ, इंडिया खुद अपने वेपन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, इसी वजह से मजबूरी में इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर आर्म्स को इम्पोर्ट किया है। और इसी को चेंज करने के लिए 2018 की आर्म्स प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई गई है, जिससे इंडिया कोशिश करेगा एक इम्पोर्टर से चाइना की तरह दुनिया में एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बनने का। अब रिसेंटली जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी बजट का स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में,
उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि एक इंडस्ट्री फ्रेंडली डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई जाएगी 2018 में ही, और रिसेंटली मार्च 21 को एक 14 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक 14 पेज के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और इसमें बात करी गई कि किस तरीके से इंडिया को एक आर्म्स के इम्पोर्टर से आर्म्स के एक्सपोर्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैसे 21 मार्च को रिलीज़ करी गई थी, फिर इसको पब्लिक के कमेंट्स के लिए ओपन रखा गया कुछ टाइम के लिए, फिर 30 मार्च तक कमेंट्स को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद अब इस पॉलिसी पर काम करना शुरू कर देगी सरकार। तो इस डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी में बेसिकली लिखा क्या है, देखो सबसे पहले बात करी गई है यहाँ पर इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन की। पॉलिसी में टारगेट बहुत सारे आपको मिलेंगे कि 2025 तक हम ये कर देंगे, 2025 तक इतना अमाउंट का हम डिफेंस का इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मेन जो यहाँ पर पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि 2025 के लिए भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा 13 वेपन प्लेटफॉर्म्स में, एटलीस्ट इसमें तो इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा, फ्रांस से, रशिया से, यूएसए से हमको इम्पोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस पॉलिसी में जो भी लिखा हुआ है हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये जो 13 वेपन प्लेटफॉर्म है इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, रिसेंटली आपको पता है मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडिया को ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने रफाइल लिए हैं, मगर सिर्फ 36 लिए हैं हमने, अभी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, कई स्क्वाडन्स हमको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए इंडिया को काफ़ी ज़रूरी है कि खुद कोई फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करें, नहीं तो हम कब तक बाहर से खरीदते रहेंगे। फिर वॉरशिप्स के लिए भी हमको चाहिए, वॉरशिप्स भी हम खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, कुछ हमने फ्रांस से भी खरीदी है, टैंक्स, मिसाइल्स भी, अब रिसेंटली मिसाइल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपको पता होगा इंडिया ने कोशिश करी थी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको वियतनाम को दिया जाए। वियतनाम ऑफ कोर्स एक काफ़ी हॉस्टाइल कंट्री है चाइना के लिए, साउथ चाइना रीजन में, हालांकि मैं कहूँगा चाइना हॉस्टाइल है टुवर्ड्स वियतनाम, वियतनाम काफ़ी छोटा है चाइना के सामने, मगर इंडिया ये कर नहीं पाया क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है। तो अगर इंडिया ने कम्प्लीटली खुद इंडिजिनस कोई मिसाइल बनाया होता तो इंडिया आराम से उसको वियतनाम को दे सकता था। ऑफकोर्स हम अग्नि नहीं दे सकते क्योंकि अग्नि की जो ओवरऑल रेंज है वो इतनी बड़ी है कि उससे चाइना काफ़ी एंगर हो सकता है, वो उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। ब्रह्मोस एक अच्छा वेपन है मगर उसकी रेंज काफ़ी कम है, तो वो हम एक बार को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे वेपन हम किसी को दे भी सकते हैं। उसके अलावा आर्टिलरी एक काफ़ी बड़ा एक इशू है, आर्टिलरी होती है जो बड़ी तोपें होती हैं, आपको अगर मान लो किसी पहाड़ पे अटैक करना है या फिर दूर अटैक करना है किसी दुश्मन पे, तो आप आर्टिलरी का इस्तेमाल करोगे। तो मेन जो हमारे इम्पोर्ट है इन्हीं प्लेटफॉर्म पे है, और यहाँ पे इंडिया चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंट बने। उसके अलावा ये पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया डोमेस्टिक आर्म्स जो सेल्स हैं वो करीब 1,70,000 करोड़ तक ले जाएगा, ये अमाउंट डॉलर्स में हो गया $26 बिलियन बाई 2025। अभी इसमें जो 1/5 जो अमाउंट होगा ये एक्सपोर्ट से आएगा, ये समझ लो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं। आपको पता है आने वाले टाइम में नेवी को भी सबमरीन चाहिए होगी, एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, एयरफोर्स को चीज़ें चाहिए होंगी, आर्मी को बहुत सारे वेपन्स चाहिए होंगे, तो इस सब में जो भी डोमेस्टिक आर्म्स की सेल होगी वो इंडिया चाहता है कि वो अपनी ही कंपनीज उसको कम्प्लीट करे, वो बाहर से हमको ना कम्प्लीट करनी पड़े। इसमें जो 35,000 करोड़ होंगे आर्म्स के सेल के, ये एक्सपोर्ट से आएंगे, मतलब कि इंडिया बाकी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको वेपन्स की आवश्यकता है, उनको एक्सपोर्ट करके पूरा करेगा। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो ये था कि डिफेंस की FDI को अभी जो 49% है इससे भी बढ़ाकर 74% कर दिया जाए। रिसेंटली आपको बताया डिफेंस में जो FDI है उसकी लिमिट को 49% कर दिया गया था ऑटोमेटिक रूट के अंडर, इसी का ही काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, इसमें बताया गया कि फॉरेन कंपनीज़ यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को डिटेट करना स्टार्ट कर देगी, मगर यहाँ पर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि अगर इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है तो ये 49 से 74% हमको करना ही होगा। अब हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, रिलायंस डिफेंस, वो चाहते हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलके वो कोलैबोरेशन करे और इंडिया में वो कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करे, कुछ गन प्रोड्यूस करे। अब फॉरेन कंपनी भी इंटरेस्टेड है मगर वो जो 49% का कैप देखती है उनको इतना ज़रा अट्रैक्टिव ये ऑफ़र लगता नहीं है, क्योंकि मतलब कि ये जो कंपनी की जो असली ओनरशिप होगी वो एक इंडियन कंपनी के पास ही होगी, जो एंड में डिसीजन मेकिंग होगी वो इंडियन कंपनी ही करेगी, तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो ऐसा नहीं चाहती,
वो डेफिनेटली ये चाहेंगी कि इंडिया में जो भी उनका वेंचर हो, जो भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से कंपनी चलेगी, वो उनके हाथ में हो। तो बेसिकली सरकार ने पहले 49% कैप को बढ़ाया। उस वक्त भी जो देखो, अब यहाँ पे दो खेमे बटे हुए थे, एक खेमा ये कह रहा था कि ये बिल्कुल भी मत करो, दूसरा खेमा जो यहाँ पर FDI के सपोर्ट में था वो ये कह रहा था कि 49% काफ़ी नहीं है, 74% करना पड़ेगा। तो सरकार ने बेसिकली पहले 49% किया, वेट किया कि इसका रिएक्शन क्या होता है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सरकार सोच रही थी कि डिफेंस में आएगी, वैसी नहीं आई, तो मजबूरी में आके हमको अब और ज़्यादा बड़ा गेटवे देना पड़ रहा है फॉरेन कंपनीज़ को। इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। देखो, USA आपको पता है एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आज के टाइम में बोस्ट करता है। उनके यहाँ जो डिफेंस की कंपनीज़ है, बोइंग और बहुत सारी कंपनीज़ है, वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत ही बढ़िया हाईटेक वहाँ पे इक्विपमेंट वो प्रोड्यूस करते हैं। हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि USA की सारी जो डिफेंस कंपनीज़ है सब प्राइवेट है, कोई वहाँ पर सरकारी DRDO या फिर कोई सरकारी कोई कंपनी नहीं है, सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तब भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हो सकता है शायद वही मॉडल इंडिया भी रेप्लिकेट करे। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई हमको अल्टरनेट नहीं दिखता। चाइना में अगर हम देखें तो उन्होंने डिफेंस में इतने बड़े स्केल पर प्राइवेटाइजेशन करी नहीं है। आप अगर चाइना में देखो, मेन जो वहाँ पर कंपनीज़ उनकी जो प्रोड्यूस करती है, उनके एयरक्राफ्ट्स या जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है डिफेंस की, वो सरकारी कंपनी कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है चाइना को। चाइना कल को चाहे तो अपनी सरकारी कंपनीज़ को कुछ भी डिक्टेट कर सकती है कि आप इस पे काम करिए, आप इस पे प्रोडक्शन करिए। उनकी जो कंपनीज़ है वो मार्केट के हिसाब से नहीं, बेजिंग के हिसाब से काम करेगी। तो अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इंडिया भी अब USA की तरह एक प्राइवेटाइज डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। FDI के अलावा सरकार ये भी कोशिश कर रही है जो इंडियन कंपनीज़ इंडिया में काम कर रही है उनके लिए भी एक काफ़ी फेवरेबल ग्राउंड तैयार हो। इसका एक सबसे आसान रास्ता यही है सरकार के पास कि जो लाइसेंस राज है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में डिफेंस सेक्टर में जिनको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, मिनिस्ट्रीज के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये भी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिन्यूअल है बहुत सारे लाइसेंसेस के लिए, बहुत सारे रिसर्च वर्क के लिए न्यूमरस लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। डिफेंस फील्ड जो है बहुत ही मॉनिटर्ड होती है, सरकार ध्यान रख रही होती है कि कौन सी कंपनी यहाँ पर क्या काम कर रही है। तो इसमें जो लाइसेंसेस का जो रिन्यूअल है सरकार इसको भी स्क्रैप करने की यहाँ पर बात कर रही है। और यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि जिस कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको सरकार और फ्रीडम भी देगी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको भी एनकरेज करें, यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी हम लाएँ। हालांकि अभी प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी दूर हैं। एक्चुअली डिफेंस सेक्टर में आपको बहुत ही लंबे टाइम से एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप बहुत ही लंबे टाइम से अगर आप इस फील्ड में हो तो ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिलायंस जियो की तरह अचानक से आप आ गए, आपने फ्री में सबको इंटरनेट दे दिया और अचानक से आपने मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर ली। यहाँ पे सारा खेल होता है टेक्नोलॉजी का, सारा खेल होता है कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए जो अभी हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं दुनिया के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो रिसेंटली अभी टॉप 10 ग्लोबल कंपनीज़ की एक लिस्ट तैयार हुई थी डिफेंस ग्लोबल कंपनीज़ की, इसमें एक भी इंडियन कंपनी नहीं दिखी। इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स का इम्पोर्टर तो है मगर एक भी जो क्वालिटी कंपनी है हमारे यहाँ जो आर्म्स को मैन्युफैक्चर करती है वो इस लिस्ट में नहीं थी। सिर्फ अगर हम टॉप 100 की बात करें, US बेस्ड डिफेंस न्यूज़ की जो लिस्ट थी उसमें टॉप 100 की अगर हम बात करें तो रैंक 35 पे आपको दिखेगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और उसके बाद रैंक 59 पर थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी काम होना बाकी है। और इन कंपनीज़ पर भी अगर हम काम करें, यहाँ पर भी सरकार इनको और फ्रीडम दे और फंड्स दे, तो डेफिनेटली इनकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। टॉप 10 में तो ये आने वाले एक दशक तक नहीं आ पाएंगी क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं गलत साबित हो जाऊँ मगर कॉम्पिटिशन इतना टफ है, मगर ये अगर टॉप 20 तक भी आ जाती हैं तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इसको हम मान सकते हैं। अब देखो, ये सब इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, एक तो हमारा पैसा तो बचेगा ही। अगर आप कोई चीज़ डायरेक्टली फ्रांस से आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी, वही आप टेक्नोलॉजी जो है आप इंडिया में लाकर इंडियन वर्कर से आप वहाँ पर काम कराते हो तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी आपको रिडक्शन दिखेगी और सरकार के भी काफ़ी यहाँ पर पैसे की बचत हो सकती है। मगर उस सब के अलावा इंडिया की जो ग्रैंड विजन है इंडियन ओशन को लेकर, कि इंडियन ओशन में
इंडिया एक सिक्योरिटी का प्रोवाइडर बन के उभरेगा, उसको भी अगर इंडिया फुलफिल करना चाहता है तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्री इंडिया की होनी चाहिए। इंडिया को पता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बन ही जाएगा, ये होने से कोई भी रोक नहीं सकता, ये होना ही होना है। अब जब $5 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी होगी तो उसी के हिसाब से आपकी डिफेंस इंडस्ट्री भी होनी चाहिए ना, दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। अगर आपकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी पीछे रह जाती है तो आप ओवरऑल एक रीजनल पावर नहीं बन पाओगे। अब देखो, इस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई। यहाँ पर बात करी गई किस तरीके से हम लोग अपनी मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी हम परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया जो हमको चाइना में देखने को मिलता है, वो है अकाउंटेबिलिटी और इंसेंटिव्स। एक काफ़ी फेमस बुक है अकाउंटेबिलिटी और इंसेंटिव्स के ऊपर। वहाँ पर ऑथर ये लिखते हैं कि अगर आप किसी रिसर्च फर्म में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इंसेंटिव वहाँ पर देने होंगे। हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है कंपनीज़ में कि आप अगर साइंटिस्ट हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए जो अभी आपकी सैलरी है वो आपको महीने में मिलेगी। अगर आप कोई ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो भी आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप नहीं कर रहे तो भी आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर जो एक इंसेंटिव से जो ड्राइव मिलता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमने US की कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज़ और इवन चाइना में भी हमने देखा है, वहाँ पर सरकार, चाइना में सरकार ऑफ कोर्स, वहाँ पे USA में सरकार नहीं करती, वहाँ पे जो बॉस होते हैं वही करते हैं। दोनों तरफ से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने इंजीनियर्स पर काफ़ी प्रेशर डालते हैं और साथ ही साथ उनको रिवॉर्ड भी करते हैं जब वो कोई ब्रेक थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक सुनहरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। चाइना ने जब 2012 में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर टेस्ट किया था, उस वक्त जो उनका सीनियर इंजीनियर था जो पूरे एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज कर रहा था, वो उस वक्त टेस्ट रन के दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। बाद में पता लगा उसको हार्ट अटैक एक्साइटमेंट से आ गया था, क्योंकि वो देख रहा था कि किस तरीके से वहाँ पर जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग ऐसा करना शुरू कर दें, ये बेसिकली एक मॉडल है, चाइनीज़ मॉडल है, जहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी और जहाँ पर वो कितना प्रेशर डालते हैं अपने इंजीनियर्स पर। अब ऑफ कोर्स इंडिया में हम ऐसा नहीं करना चाहते, मगर कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से उनके लिए इंसेंटिव पैकेज भी हो, उसी के हिसाब से अगर मान लो वो कुछ नहीं करते तो उसी के हिसाब से उनको कुछ अगर पिनलाइज भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, यहाँ पर भी हम एक तरीके से परफॉर्मेंस ड्रिवन जो है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उनको हम बना सकते हैं। ये काफ़ी एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये बात होती है, इसके रिजल्ट आपको 10-20 साल बाद दिखेंगे, मगर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो इसी तरीके से अब काम कर रही हैं। उसके अलावा सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि वो हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करेंगे। हैकाथॉन बेसिकली एक गैदरिंग होती है जहाँ पर बहुत ही शार्प माइंडेड जो इंजीनियर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए भी सरकार ने एलोकेट कर दिए हैं 2018 से 22 के लिए। डिफेंस इनोवेशन हब्स भी बनाए जाएंगे और स्टार्टअप्स को भी इनक्रेज किया जाएगा कि मान लीजिए कोई अगर स्टार्टअप किसी एक सर्टन, देखो इंडिया में अगर आप डिफेंस की स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो सीधी सी बात नहीं है कि आप कोई एक एयरक्राफ्ट बना रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एयरक्राफ्ट के एक बहुत ही छोटे हिस्से पे काम कर रहे होगे, आप शायद टेल बहुत अच्छी बनाओगे, आप शायद जो एयरक्राफ्ट का इंजन है उसका एक छोटा सा कंपोनेंट आप अच्छे से बना पाओगे। तो इसके लिए जो भी आपको रिसर्च वर्क चाहिए उसके लिए सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर करेगी। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि सीधा हम आपको पैसे नहीं देंगे, मगर आपको अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए तो सरकार आपको उसमें हेल्प करेगी। तो ये अच्छा तरीका है, काफ़ी एक अच्छा एक सरकार ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। उसके अलावा 2018 में जो अभी डिफेंस एक्सपो होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया का डिफेंस एक्सपो, इसमें इंडिया पहली बार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ दिखाएगा आर्म्स में। तो यहाँ पर इंडिया एक तरीके से दुनिया को बता रहा है कि हम भी अब एक आर्म्स के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन में तो हम बनना ही चाहते हैं। तो इस बार का जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो है ये होगा चेन्नई में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी देखिए, हमने ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी तो बना दी है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी होगी कि कैसे होती है। और जो फॉरेन कंपनीज़ है वो 74% जो FDI है जिसको अभी वे ऑफिशियल करना बाकी है, उस पर किस तरीके से वो रिस्पांस देती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी भी सरकार को किस तरीके से घेरती है, क्योंकि इसका विरोध भी काफ़ी बढ़ चढ़ के होगा जब भी ये ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी। खैर, जब भी होगा हम इस पर अपडेटेड रखेंगे आपको। फॉर द टाइम बीइंग थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।